Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Dr. Z. Majid ji hai hamare saath. Bahut swagat hai Dr. Z. Majid ji. जी वालेकुम अस्सलाम जी जी मैं पाकिस्तान से हूँ। आप उस बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं, उस बच्चे को बेचारे को क्या पता। ठीक है, आप मैं आपको आंसर देता हूँ, मैं अब आपको आपको आंसर देता हूँ। मेरे पास 2-3 मिनट है, मैंने सर्जरी के लिए जाना है। मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि आप इनसे बात करें। ठीक है, अब आप बात अब तहम्मल में बात सुनना, तहम्मल से बात सुनिएगा आप। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैंने वेट किया ना। जवाब भी लेंगे या अपनी बात रख के चले जाएंगे? जी जवाब दूंगा। पहली बात ये है कि जिसे कहते हैं जो जो आपने कहा ना कि येलो औरत से निकलता है, जो हदीस में लिखा हुआ है, तो भाई रिसर्च कर, ओवम जो होता है वो येलो कलर का होता है। दैट रिजेंबल टू दैट। ठीक है, ओवम जो होता है वो येलो कलर का होता है। ओवम सुन लें, पूरी बात सुन लें ना, आप बात सुन लें पूरी। ओवम ओवम जो होता है वो औरत की तरफ से आता है, स्पर्म जो है वो मर्द की तरफ से आता है। ठीक है, जब ये दोनों का मिलाप होता है तो जो इसमें जिसे कहते हैं ओवम येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो रिजेंबल किया जाता है। ठीक है, और अगर मर्द का जो स्पर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ये आप गूगल कर लेना कभी। ये दिखता है भाई हमारा स्पर्म। सुन ले जी, क्या हमारा स्पर्म दिखता है? हमको गूगल क्यों करना है? नहीं, स्पर्म दिखता है तो भाई, दिखता है ना स्पर्म, दिखता है तो ओवम दिखता है आपको। ओवम ओवम दिखता है, स्पर्म दिखता है आपको? ये तो आपने सीमन दिखता है, उसमें स्पर्म दिखता है आपको? डॉक्टर जी साहब हाँ जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जो औरत का पानी औरत से बाहर निकलता है, इजेक्युलेट करता है, उसमें जो ओवम होते हैं ना, उसको ओवम कहते हैं। बोलने दें। अच्छा, वो जो ओवम आप कह रहे हैं, जो ओवम होता है वो येलो होता है, पानी येलो नहीं, येलो होता है। हाँ जी, पानी येलो नहीं किया जाता। पानी येलो नहीं होता, सुन ले, पानी येलो नहीं होता, उसमें रिजेंबलनेस होती है। मेरी बात सुन ले, औरत का पानी, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर है ना, मुझे पता लग गया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप भाई। ये औरत का जो पानी है जो बाहर निकलता है वो ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं? अब मेरी बात तो सुनो ना, आप फजूल में जिसे कहते हैं कि बहस किए जा रहे हैं, पूरी बात सुने। मैं आपको दोनों, नहीं मेरे आप दोनों, नहीं मैंने म्यूट किया पहले, एतराज तो सुन लो यार डॉक्टर साहब, एतराज सुन के उस पे जवाब दो ना। आप ऐसा फायरिंग कर दोगे और चले जाओगे, सर्जरी का वक्त हुआ तो ऐसा कैसे चलेगा? डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर नहीं है, दो नंबरी मार रहा है। नहीं, अभी अभी डॉक्टर निकल जाएगा। ओवम बाहर निकल आया, ओवम ही बाहर निकल आया यार, कमाल हो गई यार। अच्छा डॉक्टर साहब से मेरा ये पहला सवाल है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, और वजाइना से जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, या फिर एक इंसान जो है रात में एहतलाम होता है, उसी तरीके से फीमेल को अगर एहतलाम हो जाए या वो गीला हो जाए उसका वजाइना, तो क्या उसमें ओवम होता है? यार डॉक्टर साहब ये पहले सवाल का जवाब देना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो ख्याल आने के बाद जो गीलापन हो जाता है, सिक्रीशन होता है वजाइना से, तो आपका ये कहना है कि उसमें ओवम होता है, इसका प्लीज जवाब दे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन किए हैं, दो आंसर हैं इस चीज के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है ओवम होता क्या है? मुझे पता है क्या होता है, वो जिसमें ना, वो जिसमें ना मैं प्लेट में खाना रख के गर्म करते हैं ना हम लोग, गर्म में होता है, 20 सेकंड लगा के ना स्टार्ट का बटन लगाते हैं तो वो गर्म करता है, और 20 सेकंड बाद टी 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 बोलता है। ये तो अब आप फजूल बात कर रहे हैं, ये तो अब आप फजूल बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आप फजूल बात कर रहे हैं। आप बात को, अच्छा ओवम क्या होता है डॉक्टर? क्या होता है? जाइगोट? नहीं, जाइगोट किस चीज से बनता है, चलो बताएं मुझे। जाइगोट बच्चे की पैदाइश, जाइगोट का किस चीज से बनता है? थोड़ा सब्र रखे, जो सवाल मुझे, मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। चले चले बताएं जो एतराज है उसका जवाब दे। मैं एतराज का जवाब देना चाह रहा हूँ ना, नहीं मैं एतराज के, मेरे भाई डॉक्टर साहब मुझे आपका एतराज पता चल गया है, तो उसका जवाब आपका एतराज पता चल गया। हाँ जी, क्या सवाल है बताइए सवाल। आपने ये पूछा है कि जो इंटरकोर्स के बगैर अगर इख्तलाम होता है किसी को, या रात को जिसे कहते हैं किसी को, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, हाँ उसमें, हाँ विदाउट इंटरकोर्स, उसमें जिसे कहते हैं कि अपना ओवम होते हैं या नहीं होते। अब आप मुझे बात बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मर्द को रात को इख्तलाम होता है तो उसमें स्पर्म्स होंगे या नहीं होंगे? अरे उसमें होंगे, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं फीमेल पे भी आ रहा हूँ, मैं फीमेल पे भी आ रहा हूँ, उसमें होंगे ना स्पर्म्स?
हाँ मेल में होंगे, फीमेल का बताइए। मेल, अच्छा फीमेल में नहीं ओवम होंगे। खत्म ना फिर, फिर क्यों आप ये जबरदस्ती का? नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि फीमेल जब डिस्चार्ज होगी विदाउट इंटरकोर्स उसमें ओवम नहीं होंगे? नहीं होंगे। आप बताओ ओ यार, अब आपको मैं साइंस, मैं बताता हूँ इसका, मैं बताता हूँ। आप ना कभी रिसर्च कीजिएगा, आप कभी रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च पेश करिए, रिसर्च। सुन ले मेरी बात सुन ले, मैंने आपका बहुत वेट किया है, मेरी हमल से बात सुन ले। जो आपने पसली का कहा है ना वो भी मैं दोनों आपको बताऊंगा, जो आपने कमर का कहा है वो भी बताऊंगा। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ, सुन ले। सर आपने ऑपरेशन करना है विदाउट इंटरकोर्स, सुन ले, विदाउट इंटरकोर्स और विद इंटरकोर्स, जो भी इंसान डिस्चार्ज होगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक है, उसमें मर्द में स्पर्म मौजूद होंगे और औरत में ओवम मौजूद होंगे, ठीक है। आपने कभी ये देखा है, कभी ये सुना है कि एक लड़की जिसे कहते, सुन ले सुन ले, जो पानी है उसका रंग येलो हो जाएगा क्या उसके ओवम के? भाई सुन ले ना मेरी बात तो पूरी, सुन ले सुन ली है, पानी का रंग रिजेंबल रिजेंबलनेस रिजेंबलनेस कुरान से कहते एक, सुन ले कुरान एक हिंट के साथ बात करता है, ठीक है, कुरान ये डायरेक्ट बात नहीं करता। कुरान जो है इनडायरेक्ट, सुन ले हदीस, मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट बात करता है आपको बात समझाने के लिए, कितनी बात करता है कि किसी को पता ही नहीं लगेगा कि उसने क्या अंब कह दिया यहाँ पे। नहीं जिन लोगों ने तफसीर, नहीं ये मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, इंग्लिश में अगर हम अरबिक में जाएंगे तो आपको वहां पे अंब नजर आएगा। आए मैं आपको दिखाता हूँ, चुप करके अरबी पढ़े जरा मेरे यार, बात ये यार, और डॉक्टर और डॉक्टर डॉक्टर सुन, अब देखो आप जरा सुन लेना, सुन लो तुम अब जिसे कहते हैं कि फजूल में बहस की जा रहे हो, मेरे बच्चे जब भाई बच्चे सुन लो बात। एडम एक मिनट रुक जाओ, डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाओ, एडम और डॉक्टर साहब दोनों रुक जाओ। वी हैव इशिका थटेरा हु इज आल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, एंड वेरी आर वेरी फेवरेबल डॉक्टर स्काई, ओके। सो मैं पहले, क्योंकि डॉक्टर स्काई जो है वो रिसर्च डॉक्टर है, उसके बाद मैं इशिका को भी मौका दूंगा। सो डॉक्टर स्काई, आर फर्स्ट क्वेश्चन, जो वजाइनल ल्यूब्रिकेंट होता है या सिक्रीशन होता है, डज इट कंटेन ओवम? इट ओनली कंटेन्स ओवम, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटरकोर्स, इट ओनली कंटेन्स ओवम व्हिच हैव नॉट बीन फर्टिलाइज्ड। Yeah, and most of them, if they get fertilized, they never leave. They are not discharged, and they, this idea. Wait. And what? Hold on, just not only that. This if it is, he's a doctor, he's misleading, because the other thing to remember is this. Sorry, excuse me. That essentially, when there's something called ovulatory cycle, which is controlled by two hormones. And intercourse and ovulation have nothing to do with each other. That's another mistake in Quran. If he's a doctor, he should go back to look at basic physiology. He's mixing two things up. He's saying so many stupid things. I can't imagine. Which medical school did he go to? Go back to your text and read, please. First of all, let me tell you something. Okay. First of all, you are lying. Okay. You are totally lying. First of all, you don't know. If there is no intercourse, let me finish. If there is no intercourse, then how come the man fluid got a sperms? If he ejaculated without intercourse, how come? The same thing happened to the woman. When the woman is discharged without intercourse, there are so many ovums, but they are weak. They cannot join the sperm. Second thing, let me finish. सेकंड थिंग, आप लोगों ने पूछा कि जिसे कहते हैं कि औरत की पसली से आता है और जिसे कहते हैं कि अपना मर्द, सुन ले मैं दोनों का जवाब दे, सुन ले, दूसरा जवाब है ना, फर्स्ट इनको पूछें, दिस इज सो कॉल्ड रिसर्चर, इनसे पूछें कि जिसे कहते हैं कि जो बनते हैं टेस्टिस किस जगह पे बनते हैं, प्लीज टेल मी,
किस जगह पे बनते हैं? फीटस में, टेस्टीज किस जगह पे बनते हैं? फीटस लाइफ में टेस्टीज किस जगह पे बनते हैं? लिसन टू मी, होल्ड ऑन. Just tell me. No. Just tell me. Fetus may testis. First, hold on. Dictate your question. Let me finish. Hmm. You made a big blunder by saying, first of all, remember this. Quran makes big blunder. Not every discharge will have ova. That's the most stupid statement ever. And if you're a doctor, go back. The vaginal secretions are not ova. Let me just actually make it more clearer. Yeah, please rephrase. Yeah, not every vaginal discharge will have ovum, not ovum, singular. Sometimes, okay. Very occasionally, if it actually coincides with the ovulatory cycle itself, only then it will have ovum. But most of the discharges, 99% or 90%, I mean, I haven't done these studies, so I feel I'm a molecular geneticist. Most of the time, you will have most of the time they'll be without any ova. So majority of the discharges, I would say well over 90%, will not have ovum. So this idea that yellow coloration is due to ovum is stupid as it can get. Theek. All right? So, okay. Thanks a lot, doctor. I'll give chance to him to respond to you. But, doctor sahab, inhone jo baat kahi, usse aapko kya aitraz hai, aap uska jawab dena. ठीक है, आम लोगों की जबान में वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसमें ओवम नहीं होता है. ठीक है, एवरी वजाइनल डिस्चार्ज विल नॉट हैव ओवम. ठीक है, बट इफ इट कोइंसाइड्स विद द ओवुलेशन डेट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डिस्चार्ज के साथ जो है वो ओवा जो है वो भी आ जाएगा, बट 90% ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. आपको इस पे क्या कहना है? ओवुलेटरी साइकिल. ओके, ओवुलेटरी साइकिल. ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है वो आप बताइए. अच्छा, अब आपने बीच में टोकना नहीं है. ठीक है, प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट ही इज राइट कि जब ओवुलेटरी अपना साइकिल स्टार्ट होगा तो ओवम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ओवम जो है ओवुलेटरी साइकिल तब स्टार्ट होगा अगर स्पर्म और ओवम आपस में जाके मिलेंगे. ठीक है, विदाउट दैट इसका मतलब ये है कि उससे पहले ओवम था ही नहीं. तो अगर ओवम था ही नहीं तो जिसे कहते हैं कि आगे जाइगोट कैसे बनेगा, इनसे ये मुझे पूछना है. और दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माइनर चांसेस होते हैं. हाँ, माइनर चांसेस होते हैं विदाउट इंटरकोर्स, अगर ओवम के जिसे कहते हैं माइनर चांसेस होते हैं कि वो प्रोड्यूस हो, लेकिन ये 100% नहीं है कि जिसे कहते हैं कि माइनर चांसेस हो तो जिसे कहते हो नहीं सकता. डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि ओवम प्रोड्यूस होता है डे बाय डे. इसीलिए एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जब किसी औरत को मेंसेस होते हैं तो उसको ब्लीड के साथ क्या बाहर निकलता है, क्या खराज होता है, ये भी इनसे जरा पूछ लें. अगर ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा और वो ओवुलेटरी जिसे कहते हैं साइकिल स्टार्ट होगा तो प्रोड्यूस होगा, तो वो एंड ऑफ द मंथ अपना औरत को मेंसेस क्यों होते हैं? अच्छा, यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है साहिल. अब मैं इसका आंसर देता हूँ, डॉक्टर साहब नहीं देंगे इसका आंसर. मैं देता हूँ, ये जो इन्होंने बातें कही है ना, ये अब हमारी हदीस साइंसेस से बाहर निकल गए. क्योंकि हदीस में मोहम्मद को इस चीज के अंब का भी नहीं पता था. मोहम्मद से सिंपली पूछा गया था कि ये जो अच्छा, औरत का डिस्चार्ज होता है रात को. One thing he said was absolutely ridiculous. He said that you cannot get any ovum secretion without sexual intercourse. I did not say that. You told that. You misquoting me. You misquoting me. Okay, Tell me what you said. I said there is a possibility. There are a possibility without intercourse. The ovum can produce and even can discharge from the vagina. With the secretions, there is a possibility because the ovum is already producing in the female vagina. ठीक है, ovary, in the ovary. So this is the nature of phenomena. जब puberty होती है, then fallopian tubes जिसे कहते हैं produce होती हैं, fallopian tubes develop होती हैं, उनमें से जिसे कहते हैं ovum produce होके ovary में आता है.
ठीक है, आपको पता है इस बारे में? पता है आपको? नो, आई थिंक यू आर गेटिंग अ बेसिक रॉन्ग. ओ ओ कम ऑन यार, फैलोपियन ट्यूब्स, इट कम, होल्ड ऑन, ओके, इट कम्स फ्रॉम ओवरी. सो यू नीड, योर बेसिक नॉलेज इज एब्सोल्युटली एट्रोशियस. लिसन, नो, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन डॉक्टर जी, लेट हिम फिनिश. जी जी, यस डॉक्टर स्काई, द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट इट्स अ रेयर इवेंट फॉर द ओवा टू बी प्रेजेंट इन द ejaculations of female, or rather secretions, which are postcoital. Postcoital refers to intercourse, just a post-term for intercourse. So there is no association whatsoever. In the majority of the cases, I would say 95%, the vaginal secretion will not have ovum. That's the point you're missing. Okay, I want to go now. Sorry. End of this. Thank you so very much, Dr. Sky sir. Achha, Sahil sir, ab jo inhone baat ki hai na, wo डॉक्टरी लेवल से हटके हो गई हुई है. साहिल साहब, जो आपकी आपकी जो हदीस थी, जरा वो दोबारा शो करा दें. अब ये जो इन्होंने बातें कर दी हैं, वो मोहम्मद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर रही हैं. और डॉक्टर स्काई ने, हाँ जी, आप अपनी वाली हदीस निकाल दें, जरा दिखा दें फौरन से. पहले देखिये, यहाँ पे ये मेस्टुरेशन साइकिल, ओवन साइकिल और इन तमाम चीजों की बात कर रहे हैं. भाई ये कोई बात की नहीं गई हुई इसके अंदर. उसने सिंपल सा सवाल किया यार, चुप, मैंने सिंपल, डॉक्टर चुप, नहीं मैं, डॉक्टर चुप, डॉक्टर साहब रुक जाओ ना यार, डॉक्टर साहब पहले एतराज सुन लो ना यार, इतना हाइपर क्यों हो जाते हो, रुक जाओ थोड़ा. नहीं नहीं, मैं हाइपर नहीं हो रहा, बताएं, मेरे पास टाइम नहीं इतना. अच्छा, मैं, हाँ, मुझे आपको दूसरा जवाब भी देना है. अब जरा चुप कर जाए और सुन ले, ताकि आप इसका जवाब मुकम्मल दे सके. सवाल जो मैं करूंगा उस लेवल पे जवाब देना, इधर उधर ना हटना. जी जी, रसूल से सवाल किया एक औरत ने, जो ख्वाब में देखे जो मर्द देखता है, यानी कि ये अब आपको पता लग गया ट्रक उलटने वाली गेम हो रही है. रसूल जी, ने फरमाया जब औरत इसका देखे तो इसे गुस्ल करना चाहिए. ठीक है, उम्मे सलमा कहती है मैंने शर्म के बावजूद अर्ज किया, क्या वाकई ऐसा है? तो नबी ने फरमाया हाँ, वरना बच्चे की मुसाबहत कैसे होगी. एक और स्टूपिड बात होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं. मर्द का पानी, मा अल मर्द, मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद होता है, और औरत का पानी पतला और जर्द होता है. औरत का पानी पतला और जर्द होता है. यहाँ पे जो जाहिरी बात हो रही है कि जो पानी उसको इख्तलाम में रात के टाइम पे निकला है, चाहे मर्द को निकला है चाहे औरत को निकला है, उस पानी के कलर की बात हो रही है, और किसी चीज की बात नहीं हो रही. अच्छा यार, भूल ही जाओगे, मैंने सवाल किया अभी तक, क्या मसला क्या है तुम्हें? क्या मसला है? किसी ने तुम्हारी कुर्सी में कुछ रखा हुआ है, आग जल रही है, तबे नहीं, हाइपर क्यों हो रहे? तो सुकून लो ना यार, टेटे क्यों कर जा रहे हो? तुम हाइपर इसी, तुम हाइपर इसी हो रहे हो, सवाल नहीं कर रहे, टेटे क्यों कर रहे हो? तुम्हें जवाब मिल रहा है इसलिए हाइपर हो रहे हो. बस बंद करो ना, मेरा सवाल अभी तो सवाल ही नहीं किया. तुम्हें जवाब मिल रहा है बच्चे के साथ, तुम्हें ज्यादती करते रहे हो. तुम्हें जवाब मिल रहा है आयशा को 9 साल में चोट डाला उसने मोहम्मद ने, टैटे कर रहे हैं यहाँ पे. एक मिनट एडम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हाइपर नहीं डॉक्टर साहब. बदतमीजी है यार, तीन दफा रुक जाए, बोल रहा था मैं म्यूट करके बैठा हूं यार. ये मसला बहुत बड़ा है कि आप लोग एतराज को सुनते क्यों नहीं हो? ओ भाई, इतराज सुनते नहीं, मैंने जवाब दिया आपको, जवाब, आप जवाब मानने को तैयार नहीं हो यार, थोड़ा सबर कर लो ना. अच्छा, अगर हम नहीं मानेंगे तो लोग तो देख रहे हैं ना, कम से कम ये सोच लो ना डॉक्टर साहब, लोग तो मान लेंगे ना अगर आपकी बात सच्ची है तो क्यों? सुन लो पहले, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है ना, पहले सुन लो कि उसमें एतराज क्या है. हाँ एडम, बोलो क्या एतराज है यार. ऐसे ये सारे मॉल को खराब कर देने की आदत है यार इन लोगों को, पता नहीं तपे वे तपे वे बैठे. नहीं चलो ठीक है, ठीक है, एतराज यहाँ पे एतराज ये है कि जनाब उसने औरत के पानी के ऊपर बात की है जो निकल रहा है, जो जाहिरी तौर पे रात के टाइम वो इजैक्यूलेट कर रही है, उसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक चीज वो किस कलर की है उसकी बात नहीं हो रही है. और ये माँ के बारे में बात हो रही है, अरबी को भी पढ़ लें. और दूसरी जगह पे ये मनी के बारे में बात हो रही है, अगर आप सही मुस्लिम की हदीस पढ़ते 315A, यहाँ पे मनी और माँ की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, उसके अंदर प्रेजेंट किसी चीज की बात नहीं हो रही. लिहाजा ये जितनी भी अब मजीद बोलेंगे वो अपने आप को खुद जुटला चुके हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, कभी होता है कभी नहीं होता, इन्होंने अभी खुद बोला है, तो वो कभी होता है और कभी नहीं होता पे ये हदीस बजाते खुद उसको जलील कर रही है और इसको फॉल हो जाती है, खुद ही निगेट फॉल्स फॉल्स साबित हो जाती है. डॉक्टर साहब आपने सवाल समझा, हो गया जी जी, मैंने समझ लिया. अब मैं आपको बताता हूँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ जी. कुरान में जब भी दो चीजें बोली जाती है ना, या हदीस में कोई भी चीज बोली जाती है, जिस तरह कुरान में ना सीधा सीधा एक बोला गया, हमने दो पानियों को अलग अलग किया जो कि एक खारा है एक मीठा है, ठीक है,
ये बहुत मशहूर है जिसे कहते वर्स है कुरान की, ठीक है। तो उसमें दो पानियों को बोला गया, दो पानियों का मतलब अब ये नहीं कि वो समंदर नहीं वहां पे बोला गया, पानियों को बोला गया, ठीक है। इसलिए कुरान या हदीस में रिजेंबलनेस होती है चीजों की, ना कि डायरेक्ट चीजें भी, कुछ चीजें डायरेक्ट बताई जाती हैं, कुछ इनडायरेक्ट बताई जाती हैं। इसमें जिसे कहते हैं आप तो मुझे डिनाई कर दें, अगर जिसे कहते ओवम का कलर जिसे कहते येलो ना हो तो आप मुझे डिनाई कर दें। और दूसरी बात, जब भी किसी किस्म का सुन लें, जब भी किसी किस्म का डिस्चार्ज होता है या मर्द को हो या औरत को हो, उसमें मर्द को तो डेफिनेटली उसमें स्पर्म्स होंगे होंगे, ठीक है, और औरत का ओवम जिसे कहते हैं प्रोड्यूस होता रहता है, इसीलिए एट द एंड ऑफ द मंथ मेंसेस आते हैं, और जितना भी वो ओवम जिसे कहते हैं जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर वो शादीशुदा नहीं है, या जिसे कहते हैं शादीशुदा भी है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए, तो वो ब्लड के साथ वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो तो मेंस्ट्रुएशन में ना, सुन ले, सुन ले, जी जी, मेंसेस में जी वो फ्लैश आउट हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जिसे कहते हैं कि उसके साथ अगर विजाइनल सेक्रीशन के साथ ओवम मौजूद ही नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल किसी को, आपने सुना है कि कई लोग कहते हैं मुझे जरियान, जिसको जिसे कहते हैं कि उसको आम जुबान में हम कहते हैं कि कोई भी बंदा कहीं पे बैठता तो उसको कतरे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि विदाउट जिसे कहते हैं फीलिंग्स, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। तो वो जब कतरे आने शुरू होते हैं उसमें जिसे कहते हैं, वो भी सेक्रीशन होती है, वो व्हाइट कलर की नहीं होती, वो पानी की तरह जिसे कहते हैं होती है, वो थिक नहीं होती, ठीक है। आपको आपको क्या लगता है कि उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे? डेफिनेटली होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। इसी तरह औरत की सेक्रीशन के अंदर ओवम मौजूद होता है, इस आप इस बात को आप डिनाई सुन लें, दावा दे लेते एक दफा, फिर बोल देंगे और फिर टाइमर लगा, क्योंकि वरना इस तरह तो ये दो घंटे बोलता रहेगा, जवाब तो दे रहा हूँ। डिस्चार्ज के साथ ओवम मौजूद होता है इसलिए रिजेंबल किया गया 100% टाइम। एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा डॉक्टर जी बताओ, 100% टाइम जब भी डिस्चार्ज होगा फीमेल को, क्या उसमें ओवम मौजूद होंगे? बिल्कुल मौजूद होगा। उसमें यार एवोल्यूशन, यार उसमें जिसे कहते हैं फर्टिलाइज होने की ताकत कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, इसी तरह स्पर्म्स में फर्टिलाइज होने की जिसे कहते हैं, सुन ले, सुन मेरी, मैं आपका यार सवाल सुन, मैंने आपका सवाल 20 दफा सुन लिया है, नहीं मैंने 20 दफा आपका सवाल सुन, आपने गलत जवाब मैं दे तो रहा हूँ कि अगर किसी को भी, अगर मर्द है या औरत है, दोनों को अगर डिस्चार्ज होता है विदाउट इंटरकोर्स, अगर सिर्फ सेक्रीशन ही होती है, उसमें ओवम भी मौजूद होगा और उसमें स्पर्म भी मौजूद होंगे, तो इसलिए ओवम का कलर जो है, ओवम का कलर येलो होता है, इससे ये रिजेंबलनेस है। और दूसरा सुन ले, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे मोहम्मद ने ओवम की बात नहीं की, यहाँ पे मोहम्मद ने पानी की बात की है, और मैंने ये 10 दफा बोला है कि ओवम, तुमने भी पहले बोला था ओवम की यहाँ पे बात ही नहीं होती, मुझे ओवम का लफ्ज दिखा दो किसी भी हदीस के अंदर। मोहम्मद को अंब का नहीं पता था किसी ओवम का, उसको तो अंडे का नहीं पता था कि औरत के अंदर अंडे होते हैं, उसने तो कुरान में किसी जगह पे बैजा का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ। मुझे किस तरीके से तुम आज ये बोल रहे हो यहाँ पे, और तुम यहाँ पे ओवम 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 का कलर किस खोते ने देखा है? वो जिन डंगरों को बता रहा है, जिनके निकल रहे हैं उनको बता रहा है, उनको नहीं उससे पता लगा कि ओवम है ये, चिट्टा पानी निकल रहा है कि पीला निकल रहा है कि वो, हद हो गई यार कसम से। मैडम मैडम शांत शांत शांत, थोड़ा शांत। अच्छा वी हैव डॉक्टर इशिका ऑल्सो, इशिका मुझे एक बात बताइए अभी। हाँ इशिका, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। हाँ आवाज आ रही है मेरी इशिका जी? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा इशिका जी ये बताइए मुझे कि जब भी अगर फीमेल डिस्चार्ज करेगी, ओके, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, और ऐसा जब नॉर्मली डिस्चार्ज हो, तो एवरी डिस्चार्ज में क्या ओवम मौजूद होगा डिस्चार्ज में? नहीं सर, किसी डिस्चार्ज में ओवम मौजूद नहीं होता है, ये कहीं के डॉक्टर नहीं है। आप इतनी देर से इनकी बातें सुन रहे हैं, आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर है नहीं। और जैसा कि इन्होंने अभी एक बात बताई आपको कि ओव्यूलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, इस बात से आपने बिल्कुल समझ जाना चाहिए था और इन्हें बाहर कर देना चाहिए था। उन्होंने ये कहा, मैंने उनको बोला तो, लेकिन वो बाद में मुकर गए उस बात से।
और फीमेल को जो है वो डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो जो है वाइट डिस्चार्ज होता है और वो होता रहता है, मतलब नॉर्मली होता है फीमेल्स को, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओवम बाहर निकलता है। और आप इनका लॉजिक देखिए कि ये कह रहे हैं कि स्पर्म्स भी बाहर आ जाते हैं, ओवम भी बाहर आ जाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन किधर, बाहर होएगा और बाहर ही बच्चा बन जाएगा। एक्चुअली जो ओवम है जो फर्टिलाइज होना है वो तो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, हाँ एग्जैक्टली, वहां जाके फर्टिलाइज होता है, तो जो डिस्चार्ज हो गया वो तो सवाल ही नहीं उठता उसमें फर्टिलाइजेशन का। एम आई करेक्ट? हाँ हाँ, ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनको, इनके पास कोई लॉजिक है नहीं और ये कोई डॉक्टर वॉक्टर भी है नहीं, इनको कुछ भी बोलना है बस। नहीं लेकिन मेरी ये बात सही है क्या इशिका जी, कि जो जो ओवम जो है फर्टिलाइज होने वाला है दैट विल बी इन द फेलोपियन ट्यूब फर्स्ट? हाँ हाँ बिल्कुल, right? ये क्या बोल रहे हैं कि हर बार ओवम बाहर निकलेगा, बकवास बात है बिल्कुल। यार ये डॉक्टर है और ये इसने अभी ऑपरेशन के लिए जाना था 5 मिनट में और अभी तक आधे घंटे से लगा हुआ है, इसको कैमरा ऑन करके अपना हॉस्पिटल दिखाए और अपना दिखाए ये कि ये वाकई डॉक्टर है, इसने ऑपरेशन थिएटर में जाना है अभी। ठीक है मैं इनको अनम्यूट करता हूं। नहीं, पहले अभी पेशेंट मर चुका होगा अभी तक। ओके अच्छा, व्हाट इज योर एजुकेशन इशिका, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? अभी सर मैं प्री मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंट्रेंस के लिए। ठीक है, मतलब वहां पे भी आपको ये नॉलेज है कि हाँ बिल्कुल, ये 10th में बता दिया जाता है फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होगा। हाँ ये 10th की बात है। ठीक है चलो, मैं डॉक्टर जी से ये जानना चाहता हूँ कि हमने जो कहा वो सही है क्या गलत है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन वहां होगा तो वो जो बाहर जो आ रहा है उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ओके अनम्यूट। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्ची ने जो बात की है ना, ये बच्ची को पता नहीं है, ठीक है। बात ये है कि जब मेंसेस आते हैं तो वो जब मेंसेस के दौरान रंग लाल होता है, मोहम्मद ने लाल रंग भी बताया, उसके अंदर ओवम होते हैं, वो मेंसेस होते हैं, वो लाल रंग का होता है। यार निकाल यार, इसको दिमाग खराब कर रहे हैं। अच्छा वो ब्लड क्यों आता है फिर, ब्लड क्यों आता है, चलो बताए मुझे। मैंने म्यूट कर दिया, चलो हाँ चलो, ब्लड क्यों आता है जी, ब्लड क्यों आता है, इसको पूछे कि ब्लड क्यों आता है, कि अगर जिसे कहते हैं कि ओवम या कुछ अंदर लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसमें, नहीं हुआ, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको क्या लगता है कि जब एक औरत जिसे कहते हैं कि उसको इंटरकोर्स होता है या नहीं होता, उसको सिक्रीशंस होती हैं, तो उसमें ओवम मौजूद नहीं होता? इन लोगों को पता ही नहीं है, ये बच्ची प्री मेडिकल की है, इसको यही नहीं पता बेचारी को, ये मुझे अक्यूज कर रही है कि आप डॉक्टर हैं। और नहीं आपको पता है कि ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है? और बच्चे सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, जब इंसान बोल रहा होता है ना तो उसमें अपना वर्ड्स की जिसे कहते हैं कि अपना गलती भी हो सकती है, ठीक है इंसान से, ठीक है। नहीं नहीं सर आप सुनिए सर, जितना नॉलेज आपको है ना, बच्चे मेरी बात नहीं कर पाएंगे, बच्चे मेरी बात सुने, ओ बच्चे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप मुझे अच्छा? बताएं कि सुन लें, आप मुझे बताएं कि मेंसेस में जिसे कहते हैं मेंसेस के बाद और मेंसेस से पहले फीमेल को क्या चेंजेस आती हैं? So how आप मेरी बात सुने, आपको जितना नॉलेज है ना आप उससे बार भी पास नहीं कर पाएंगे। नहीं आप मैंने जो आपको पूछा है ये बताएं आप मुझे क्या चेंजेस आती हैं? नहीं आप आपकी जो लेवल है ना नॉलेज का समझ में आ गया हमको डॉक्टर साहब, दैट इज नॉट रेलेवेंट। मुझे एक बात बताओ। अच्छा चले रेलेवेंट, अब रेलेवेंट बात सुन ले, सुन ले मेरी बात, मैं जा रहा हूँ, अब रेलेवेंट बात सुन ले। आपने जो कहा ना मेरी बात, एक सेकंड, एक नहीं नहीं एक सेकंड, एक सेकंड देना, एक सेकंड सिर्फ। जो टेस्टिस होते हैं ना, जो आपने कमर का कहा है कि मोहम्मद ने कहा है कि कमर से आता है और औरत के जिसे कहते हैं ब्रेस्ट से आता है, तो कभी पढ़ लेना, कभी इस बच्ची को भी पढ़ा देना, या किसी वो जो डॉक्टर स्काई को लिया था उससे अच्छा, भी पूछ लेना। सुन ले, 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 यार एक मिनट रुकिए, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले, फिर जिस मर्जी को ले लेना। अरे सुनो 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 सुनो, आप जो बकवास करो, एक मिनट, सबसे पहली बात है कि डॉक्टर होना कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना नहीं होता है, हर कोई वो भी डॉक्टर है शायद जाकिर नायक जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े नहीं, बहुत क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं? इंट्रोडक्शन इन द सेंस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेरी एजुकेशन है ये इशिका शायद प्रिपेयर कर रही है प्री मेडिकल के लिए, ये जानती होगी। हाँ तो मेरी है, मैं MBBS हूँ दिल्ली से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, आपको पता होगा उसका क्या स्टेटस है इंडिया में। और मैं
और मैं डॉक्टर, मैंने एमडी किया है। अरे यार सब कुछ बता दूंगा तो लोगों को पता ही चल जाएगा कौन। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, आप बताइए कि हमारे डॉक्टर साहब कहां कहां गलती की है। हाँ, मैंने उसके बाद में आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली और उसके बाद एम्स में हूँ फिलहाल, और इनको मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ कुछ। सबसे पहली बात कि डॉक्टर जो है पढ़ लेना और चीजों को ऐसे पढ़ लेना, और उसके बाद ये कहना कि मतलब कि डॉक्टर हूँ तो मैं बता रहा हूँ तो सही है, ये बकवास जाते जाके नायक भी करता है, मैंने भी सुनी है, ये बहुत ही बकवास चीज मेरे को लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं होना पड़ता, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होना पड़ता, बस रटनी ही होती है चीजें, और कोई भी रट सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये बताना, ये जो बता रहे हैं, मैंने पूरा आपका सुना नहीं, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पूरा सुनूं, लेकिन थोड़ा बहुत सुन रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्नोस्टिक बंदा हूं, तो मैं थोड़ा आपका चैनल सुनता रहता हूं कभी कभी, मैं सब्सक्राइब किया, तो शुक्रिया सर। तो ये आपका जो ये बोल रहे हैं, ये जबरदस्ती की साइंस निकालना कुरान में, ये तो बेकार की चीज है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि वो नीचे होता है, वो शायद इसके एग्जाम में पीएमटी में पूछते भी होंगे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पिलो वो जंक्शन होता है ना, क्या होता है, ये लड़की बताएगी, मैंने तो बहुत साल पहले रटा था ये। हाँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला। हाँ, एम्पुला, और वो जंक्शन होता है एम्पिलो, कौन सा जंक्शन, एक्चुअली मेरी ब्रांच अब आईबीएफ वाली नहीं रह गई है, तो इसलिए मैं एकदम रटी हुई चीजें मैं भूल चुका हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को पक्का पता है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि यूट्रस में। और अगर ये जो बोल रहे हैं नीचे वजाइना से निकल जाता, अगर ऐसा होता तो आईवीएफ की जो टेक्निक होती है उनमें वो इतनी मशीनें यूज करके वो सब नहीं करते, सिर्फ वो वेजाइनल फ्लूड ही इकट्ठा कर देते, उसमें से ओवम निकाल लेते। हाँ।